अरे भाई शिनचैन के कुछ काम वाम मिला के तेरे को? अरे फेंकी में मुझे तो कोई कुछ काम नहीं मिला है। अरे यार आज कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे भी करके यार काम ढूंढना ही पड़ेगा यार अपन को। अरे अंकल से बात करता हूँ। अरे अंकल आपके पास कुछ काम है क्या? बढ़िया बढ़िया, मतलब मैं बहुत ही तगड़ा काम करता हूँ। अरे हाँ मेरे पास एक काम है ना, वो मेरी गाड़ी में रोज का रोज गोबर लग जाता है, तो उसको साफ कर देगा क्या? 10 रुपए दूंगा पूरे दिन के। 10 रुपए? अबे 10 रुपए में तो बर्गर भी नहीं आता। अबे चल पागल है क्या? अरे कर देना यार, कौन साफ करेगा? अब हट रही, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे क्या तुमको पता है वो जो बीच वाला घर है वो $100 मिलियन का है, और वो अगले हफ्ते $1 बिलियन का होने वाला है। मतलब जो भी खरीदेगा उसके तो मजे हो जाएंगे। और तो तुम क्यों नहीं खरीद लेते उस घर को? अरे पागल हो क्या, 100 मिलियन कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो 10 मिलियन पड़े बैंक में, तेरे पास कितने? और मेरे पास तो 6 मिलियन पड़े। अरे यार हम तो नहीं खरीद सकते यार, पर जो भी खरीदेगा उसके तो मजे हो जाएंगे, क्योंकि अगले हफ्ते ही वो बन जाएगा $1 बिलियन का। अबे शिनचैन तूने सुना कि नहीं? अरे वे की मैं क्या सुना? अबे भाई बीच में जो घर है ना वो $100 मिलियन का अभी मिल रहा है, और वो एक हफ्ते बाद $1 बिलियन का मिलने वाला है, मतलब 10 गुना ज्यादा प्राइस का। तो शिनचैन अपन को वो खरीदना पड़ेगा, फिर अपन उसको 1 बिलियन में बेचेंगे, फिर तो अपने पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। अरे वे की मैं 100 मिलियन का चलाओगे? अच्छा हाँ वो तो मैंने सोचा ही नहीं, 100 मिलियन भी तो ढूंढने पड़ेंगे। अबे तेरे पास पड़े क्या? अरे फेकी मैं जेब में लेके घूमता हूँ, कुछ सोचना पड़ेगा हमें। अरे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा यार शिनचैन, मुझे कैसे भी करके वो घर खरीदे। अगर एक बार हमने वो घर खरीद लिया ना फिर तो हमारे मजे हो जाएंगे। अरे फेकी भाई आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर कैसे लेंगे? शिनचैन शिनचैन कुछ तो सोच यार, कुछ तो सोचना पड़ेगा अपन को $100 मिलियन कमाने आज में। अरे फेकी भाई पागल पागल हो गए, 100 मिलियन आज में कैसे लेंगे? अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, भंडारा भंडारा चल रहा है क्या? मुझे लगता है खाना फट रहा है, शिनचैन खाना खा लेते हैं। अरे फेकी भाई खाना तो नहीं लग रहा मुझे। अरे रुक जा मेरे को बात करने दे। अरे हेलो यहाँ पे क्या चल रहा है? सर आपका स्वागत है लॉस सैंटोस के सबसे खतरनाक रेस में, इसका प्राइस है पूरे के पूरे 1 मिलियन, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आइए। रेस कौन सी रेस है? सर फालतू सवाल मत पूछिए, लास्ट स्पॉट बचे। लास्ट स्पॉट? हाँ ठीक है मेरा नाम लिख दो, मेरा नाम है फ्रैंकलिन। तो कैसर अब ये रेस शुरू होने वाली है, और ये रेस सिर्फ 1 मिलियन के लिए, पर कुछ तो मिलेगा या भाई यार, 100 मिलियन में कहाँ से लाऊं? तो शिनचैन ने बोला वो भी कुछ करेगा, मैं भी यार ये वाली रेस करने वाला हूँ थोड़े पैसे कमाने के लिए, तो फटाफट से चलते हैं भागो। अब ये मैं यार स्विमिंग कर रही है, फटाफट चलते हैं। अब ये आगे कैसे चले गए मेरे से? अब यार ये तो चीटिंग है यार, मुझे तेज तेज स्विमिंग करनी पड़ेगी तभी मैं ये रेस जीत पाऊंगा, और कैसे भी करके मुझे ये जीतनी ताकि मुझे $1 मिलियन तक मिल सके, और फिर मैं उसको 100 मिलियन में कन्वर्ट कर पाऊँ। कैसे करूंगा क्या करूंगा मेरे को कुछ नहीं पता, पर अभी मुझे ये रेस कंप्लीट करनी है, तो फटाफट से तेज तेज स्विमिंग में ध्यान देते। गाइस जब तक मैं स्विमिंग कर रहा हूँ आपके साथ मैं खेलने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया वाला गेम। मैं आपको देने वाला हूँ 3-3 ऑप्शन, उनमें से आप क्या हो फटाफट से मुझे बता देना। तो गाइस अगर आप हो एक नूब तो आप यार लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे, पर आप हो एक प्रो तो आप लाइक सब्सक्राइब करोगे, पर आप हो एक हैकर गॉड सबसे खतरनाक प्लेयर तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर सबका सब करोगे। फटाफट से मुझे कमेंट बताओ, तो आप क्या हो मुझे फटाफट से कमेंट में बता देना, और अपन ये रेस पे ध्यान देते हैं। तो गाइस अभी सामने बस ये रेस कंप्लीट होने वाली है, मतलब रेस कंप्लीट होने वाली है, स्विमिंग वाली खत्म हो गई, अभी हमें यार साइकिलिंग रेस में जाना, सामने साइकिलें पड़ी, चलो फटाफट से चलते हैं। अरे गाइस यार मुझे तो कोई आइडिया नहीं मिल रहा, 100 मिलियन कैसे लो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया वाला आइडिया, क्यों ना मैं बैंक लूट लूं। ये सामने देखो एक बैंक है, मैं उसको लूटने वाला हूं, मैंने सोच लिया है, फिर हमें 100 मिलियन मिल जाएंगे, फिर हम उस घर को खरीद लेंगे, फिर हमें 1 बिलियन मिल जाएंगे, मजे आ जाएंगे। तो अभी मैं ये गन लेके आ गया हूं, तो चलो फटाफट से इस बैंक में घुसते हैं। अभी मैं सबसे ज्यादा आगे चल रहा हूं, मतलब फर्स्ट में चल रहा हूं, मेरा जस्ट बंदा पीछे खड़ा है सेकंड नंबर पे। फटाफट से साइकिल में बैठते और निकलते, और भी बहुत सारे जने आ गए हमारे पीछे साइकिल लेके, फटाफट से चलते हैं। इसके बाद हमें एक रनिंग वाली रेस भी करनी है, तो फटाफट से सबसे आगे मैं रहूंगा और रेस जीत के दिखाऊंगा। अरे गाइस चलो फटाफट से इस बैंक के अंदर घुसते हैं। ए बैंक वाले चुपचाप यहाँ पे साइड में खड़े हो जाए, वरना सबको मार दूंगा। अरे चलो सारे के सारे ये कैमरा तोड़ देते पहले, अरे कोई भी हिलेगा नहीं मैं सबको मार दूंगा। अरे कहाँ है और कैमरा? अरे पहले सारे के सारे कैमरा तोड़ने पड़ेंगे, एक कैमरा ये ले। अरे यार मैं तो बहुत ज्यादा थक गया, मैं यार पीछे हो चुका हूँ, मैं थर्ड पे चल रहा हूँ, सामने मेरे 2 बंदे चल रहे, फटाफट से भगाते भागा 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 भागा, और ये साइकिल रेस भी कंप्लीट हो गई हमारी। किधर जाना है, किधर जाना है? अबे रनिंग रेस है पर जाना किधर है? अबे रास्ता किधर है, इधर जाना है क्या? अरे मुझे नहीं लगता, अबे कहाँ जाऊँ मैं? अरे ये भागने लग गया, इसको रास्ता पता है, अरे इसके पीछे पीछे भागना पड़ेगा, अरे मुझे तो रास्ता ही नहीं पता था। चलो फटाफट फटाफट भागते हैं, मुझे ये रेस को कैसे भी जीतना है। अभी मैं सेकंड पे, रुको मैं थोड़ा आगे निकलने की कोशिश करता हूँ। अबे यार रुक जा, इसको मुक्का मार दूंगा, पर यार पता चले मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दे। अभी भागो 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 भागो, अरे बस मैं जाने वाला हूँ, अबे साइड हो जा। अरे गाइस अभी चलो फटाफट से सारे के सारे मैंने कैमरा तोड़,
तोड़ दिए। अरे रुको, अंदर भी तो कैमरा होते, मैं तो बोली क्या, ये रहा कैमरा, इसको भी तोड़ते हैं। चलो मैंने अभी सारे के सारे कैमरा तोड़ दिए, अभी बैंक वाले को बुलाते हैं। अरे ये बैंक वालों, कोई पुलिस को नहीं बुलाएगा, मेरी बात सुनो, फटाफट से अंदर का लॉकर खोलो। अरे भैया खोल रहे मारना मत। अरे मार दूंगा, जल्दी खोलो। अरे भैया रुको खोल रहे माफ करो। और ये मैं बस इससे आगे निकल गया, आखिरकार मैं फर्स्ट पे आ चुका और ये मेरे बिल्कुल जस्ट पीछे है। मुझे तेज भागना चाहिए, फुल स्पीड में भागूंगा, मैं ये रेस को जीत के रहूंगा। भागो। अरे पीछे तो चार जने आ रहे, अबे यार जल्दी भागना पड़ेगा। चलो अरे रेस का एंडिंग आ गई, अरे फिनिशिंग लाइन मैं पहुंचूंगा। और ये मैं पहुंच गया, यस गाइस, यार मैं जीत चुका हूं ये रेस और मुझे 1 मिलियन मिल चुके हैं। अरे जल्दी अंकल चलो ना शादी में आएगी, जल्दी खोलो ना। अरे बेटा खोल रहा हूँ। अरे गाइस ये जल्दी से मेरा लॉकर खोलेगा, फिर मैं बहुत सारे पैसे लेके जाऊंगा, मजे आएंगे। अरे अंकल जल्दी करो ना। अरे बेटा कर रहा हूँ बेटा, मारना मत। अरे अंकल जल्दी करो, गुस्सा आ रहा है मुझे। बेटा कर रहा हूँ। अरे अंकल जल्दी खोलो ना। अरे बेटा खुल गया, जाओ। अरे अंकल आप जिंदा रह के क्या करोगे? अरे मुझे नहीं। अरे अंकल को मार देते, इन्होंने मेरी शक्ल देख ली, शक्ल तो सबने देख ली, पर कोई बात नहीं, चलो फटाफट से यहाँ पे सारा का सारा गोल्ड पड़ा है वो ले लेते। मुझे तो लगा था सिर्फ पैसे होंगे, यहाँ पे तो गोल्ड भी पड़ा है, चलो सारा का सारा गोल्ड छीन लेता हूँ, और पीछे पैसे भी पड़े वो भी ले लूंगा, जल्दी ले लेता हूँ सारा का सारा गोल्ड। अरे तू भी आ जा। अरे तू भी आना, सारा का सारा गोल्ड लेके जाऊंगा अपने घर पे, फिर इसको बेचूंगा, फिर 100 मिलियन डॉलर मिलेंगे। अभी हमारे पास 64 मिलियन डॉलर हो चुके हैं, चलो इसको भी ले लेते, यहाँ पे इतने सारे पैसे पड़े, इनको फटाफट से ले लेते, बस ये 100 मिलियन होने चाहिए पूरी की पूरी। अरे 72 मिलियन हो गई, और ये 80 मिलियन भी हो गए, जल्दी आते जाओ, और ये 91 मिलियन हो गए, और ये 97, और ये 10 मिलियन, अरे मतलब 100 मिलियन। अरे गाइस यार हमें पूरे की पूरे 100 मिलियन मिल चुके हैं, उससे भी ज्यादा मिल चुके हैं, चले फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। अरे पुलिस वाले कहाँ से आ गए? अरे गाइस यार मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ चुके हैं। अरे गाइस यार हमें 100 मिलियन तो मिल चुके हैं, बस हमें पुलिस को भी छोड़ना है, फिर हमें 100 मिलियन हमारे हो जाएंगे। चलो चलते हैं यहाँ से। अरे पुलिस वाले हट जाओ, इनको गोलियों से मारना पड़ेगा, ये मेरे पीछे पीछे आ रहे, इनकी गाड़ी तोड़ दूंगा, गाड़ी फोड़ दूंगा, चलो निकलते। अरे एक और पुलिस वाले, क्या हो गया अंकल, पकड़ो ना इसको भी, मार दिया। अबे इनकी कोई शर्म है भाई, 1 मिलियन डॉलर एक तो मैं जीता हूँ और मेरे कपड़े वापस ले लिए, इनके 10 रुपए के कपड़े के लिए क्या पागलपंती करते हैं। चलो यार अपन यहाँ से चलते, रेस तो अपन जीत चुके हैं। अरे गाइस यार फेंकी बे के पास मैं जा रहा हूँ, मुझे पता चला उनकी रेस खत्म हो गई है। ओबे शिनचैन, अरे फेंकी बे मैं ही हूँ। अबे ये गाड़ी कहाँ से चुरा के लेके आ गया? अरे फेंकी बे चुराई नहीं, खरीदी मैंने साइमन भैया से। है तूने गाड़ी खरीदी? अबे देखो बोल रहा था 100 मिलियन के लिए घर के लिए चाहिए, तो गाड़ियों में खरीद रहा है। अरे फेंकी बे मुझे 100 मिलियन भी मिल गए। कैसे, क्या? अरे फेंकी बे चलो सब समझा दूंगा, अभी गाड़ी में तो बैठो। अच्छा चल। चलो यार इस खतरनाक सी गाड़ी में बैठते हो, शिनचैन बोल रहा है उसको 100 मिलियन डॉलर मिल चुके, कैसे तो मैं पूछ लूंगा, फटाफट से चलते हैं उस घर को खरीदने, 1 हफ्ते बाद वो होगा 1 बिलियन का, फिर तो बहुत ही ज्यादा हमारे पास पैसे हो जाएंगे। अरे विक्की मैं गाड़ी चलाना तो सीख लूं। अरे सॉरी भाई, ज्यादा खुशी में इधर उधर जा रहा हूँ। शिनचैन वैसे बैंक में कैश में कैसे? अरे विक्की मैं गोल्ड और कैश में, क्या तू चोरी करके आया क्या? तो गाइस यार अभी हम जा रहे हैं हमारे नए बीच हाउस पे, अभी आपको दिखाता हूँ ये घर कितना ज्यादा खतरनाक है। इसका नंबर है 472 और कुछ तो यहाँ पे देखो कितनी सारी तगड़ी गाड़ियां खड़ी है, यहाँ पे पूरी पार्किंग स्पेस है 10-15 गाड़ियों के लिए। अभी आपको दिखाता हूँ ये घर कितना ज्यादा खतरनाक है। और यार अभी मैंने बड़ा सूट भी पहन लिया मस्त सा, और यार शिनचैन ने मुझे बताया वो कहाँ से लेके आया पैसे। कोई बात नहीं यार, अपने क्या, अपने को तो ये घर अपन ने खरीद लिया, अब 1 महीने बाद ये घर होने वाला है 10 गुना ज्यादा महंगा। तो गाइस मुझे बताओ कि इस घर को मैं खरीदूं, मतलब रख के रखूं अपने पास, या बेच दूं तो मुझे 1 बिलियन मिलेंगे, या फिर और टाइम अपने पास रखूंगा तो ये क्या पता और बढ़ जाए। तो यार देखेंगे, अभी कुछ ना कुछ सोचेंगे। यहाँ पे देख सो भाई क्या ही तगड़ा वाला मेंशन है, यहाँ पे यार अंदर यहाँ पे आग वाग लगी हुई है, यहाँ पे कंप्यूटर रूम, और सामने एक और कंप्यूटर रूम था ना, हाँ यहाँ पे देखो भाई कितने सारे कंप्यूटर पड़े, और नीचे पानी, यहाँ पे ब्रिज बना रखा है भाई घर के अंदर ब्रिज, और यहाँ पे अपना किचन, यहाँ पे अपना यार चिल करने का एरिया, स्विमिंग पूल, और ये ऊपर भी है भाई, यहाँ पे अपना बेडरूम है बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला, अंदर बाथरूम है वो तो क्या ही देख के करोगे, और अपना पर्सनल प्राइवेट जिम भी है, मतलब यार ये घर तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। और ये स्विमिंग पूल भाई इस ओशन से कनेक्ट है, और यहाँ पे अपना पार्टी एरिया है, ये देख सकते हो भाई पूरा अलग से बना रखा है, क्योंकि बीच पे हाउस है तो यार पार्टी एरिया तो होना ही चाहिए। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बता दो आपको ये घर कैसा लगा, ये देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है हमारा घर ड्रोन व्यू से, भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला घर है और ये हमने खरीद लिया है। तो गाइस मुझे कमेंट में जरूर बताना हम इस घर को यार बेच या फिर अपने पास ही रखिए, थोड़ा टाइम और रखिए या फिर बेच देंगे, या फिर हम इधर ही रहने लग जाए, मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो गाइस यार आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता कैसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो, और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर जॉइन फॉलो कर लेना। और गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।